I'm going to quickly cut across to the kind of ruckus that we actually see on the streets of Delhi today. If one must see, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and several ARC leaders got down to the streets of the national capital and took out a protest march against the Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena. Kejriwal slammed the Delhi LG for blocking off several Delhi government schemes, including their plans to send about 30 Delhi government school teachers to Finland for better training and education. Meanwhile, ruckus also broke out at the same time between the Aam Aadmi Party and the BJP legislators at the Delhi Assembly on the first day of the winter session. And here you saw BJP netas coming with oxygen cylinders and masks as a symbolic protest, protesting against the Aam Aadmi Party's failure in tackling pollution levels in the national capital. BJP and ARP MLAs engaged in sloganeering against each other in the House, after which the House was finally adjourned. The winter session is now expected to go on until Wednesday. BJP MLAs there were seen wearing those oxygen masks in protest against the poor quality of air in the national capital. ARP and BJP legislators had previously gotten physical, quite bitter. The tussle that took place after the mayor elections of the mayoral cooperation of Delhi had taken place on 6th of Jan. And it appears amid all this chaos and commotion in the national capital, finally the Delhi LG has cleared for mayoral polls to take place on the 24th of January. बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो उनको मत रोको आपने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी बताओ योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ 17,000 लोग डेली योगा करते थे मैं उनको फ्री में योगा कराता था जी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी दवाइयां रुकवा दी टेस्ट रुकवा दिए डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो देश में कानून बनता है देश में वो कानून होता है तो ये ठीक नहीं है अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके टीचर्स सरकारी टीचर्स फिनलैंड जाएं ट्रेनिंग के लिए तो एलजी साहब के पास में रोकने का कोई अधिकार नहीं है विधानसभा में मौजूद है बीजेपी के ये तमाम विधायक हैं अपने हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए चेहरे पर मास्क पहने हुए यहाँ पे तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और विधायक जी सभी लोग पहुंचे हुए हैं हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए और साफ हवा में जीना मुश्किल हो रहा है या पॉल्यूशन है उस हवा में जीना मुश्किल हो रहा है क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है केजरीवाल जी इस निमित्त कोई भी कदम नहीं उठा रहे उनको एहसास दिलाने आए कि दिल्ली के लोग सांस ले लेके जहरीली सांसों के कारण मर रहे हैं और उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है इसलिए उनको बतलाने आए हैं कि आप सबको एक एक सिलेंडर फ्री में बांटिए ताकि दिल्ली के लोगों का जान बचाया जा सके ये क्या मांग आप लोगों की और है कितने लीटर का सिलेंडर है ये ऑक्सीजन का ये 3.5 लीटर का 3.5 लीटर का आज लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आसमान तो नीला है लेकिन क्या आप इस पे राजनीतिक मांग कर रहे हैं विधानसभा में भी क्या आप ये मांग उठाएंगे बिल्कुल हमने पहले भी मांग उठाया है कि केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि 8 सालों में दिल्ली शहर पॉल्यूटेड क्यों हो गई चलिए यहाँ पे ये देखिए विधायक जो है अब विधानसभा के भीतर जा रहे हैं और यहाँ पे कोशिश ये है तमाम विधायकों की कि दिल्ली विधानसभा के भीतर इस मुद्दे को उठाया जाए और प्रदूषण से संबंधित जो मांग है उस मांग को दोहरा जाया जाए आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी We want to raise the issue of pollution. Today, unfortunately, today pollution is Delhi has become one of the most polluted cities in the whole world today. And unfortunately, Aam Aadmi Party government led by Arvind Kejriwal has done nothing for pollution. What have you done for a long term? Where is the buses? Where is the public transport? Public transport has gone in Delhi haywire. I mean, it's on the verge of collapsing. It. What population of 2 crores? We have only 3,000 odd buses of DTC in Delhi. How many buses you have purchased? Central government has provided 300 electrical buses. Apart from that, what have you done? We want to raise this issue in the Vidhan Sabha. But unfortunately, as usual, Arvind Kejriwal government has
is creating a ruckus in the Vidhan Sabha, and they are not letting the debate and the discussion should happen in the house. This is a democracy what you're talking about. This is democracy which you're living in. मैं पंजाब में हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में. दिल्ली की हवाएं जहरीली है, पर पंजाब में मुझे पराली जलते हुए कहीं नहीं दिख रही. अब क्या कारण है केजरीवाल जी? पहले आप पंजाब को कहते थे है ना पराली और जो है हवाएं जहरीली, पंजाब वजह है. पंजाब में पराली नहीं, लेकिन दिल्ली की हवाएं जहरीली है. 8 साल से आप सत्ता में. चलिए छोड़िए भाजपा क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है. दिल्ली के लोगों को सुन कौन रहा है? दिल्ली विधानसभा के बाहर एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई सड़कों पर है, भाजपा और आम आदमी की, और लोगों की सुनवाई नहीं. विधानसभा का सत्र है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि अपने लोगों की समस्याओं के चर्चा करके हल दे. मैं इसी विधानसभा की 5 साल विधायक रही हूँ. लोगों की उम्मीदें हैं, वो लोगों की उम्मीदें एक बार फिर निराश हो रहे हैं. जिस तरह का माहौल दिल्ली विधानसभा में देखने को फिर से मिल रहा है कि बाहर भी लड़िए अंदर भी लड़िए, सिर्फ अपनी राजनीति क्योंकि जवाब ना देना पड़े ना केंद्र सरकार ना दिल्ली सरकार को, सिर्फ लड़कर अपना समय बर्बाद करके टैक्स पेयर के पैसे का बर्बादी हो रही है और दिल्ली पिस रही है.